यो आकाशवाणी जम्मू है गोजरी खबरां नालों अबैदुर रहमान राजभवन जम्मू में कल सैर व सियाहत बारे इंदराज शुदा वफाकी हमायत का वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू नाल मुलाकात हो गया अपना मुतालबात पेश किया। अपना जनरल सेक्रेटरी श्री रमिंदर के सनहोत्रा की सरपरस्ती में इस वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू खिता के अंदर सैर व सियाहत का वाधा की खातिर बख बख मामलों के मुतालबों की जानकारी दी। उन्होंने जम्मू खिता के अंदर सैर व सियाहत ना बाद देन की गर्ज नाल तहजीबी त्यौहारों को इनकाद करान नाले स्टेक होल्डर्स ने इस सैक्टर का वाधा वास्ते चाया जाने वाला इकदाम बारे राय मंगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने इस वफद नाल खिताब कियो ते कियो जिस सैर व सियाहत का इस शोभा नबादो देन की गर्ज नाल सरकार ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी इकदाम किया है। इसे दौरान IIT इम्पलाइज यूनाइटेड फ्रंट का एक वफद ने गवर्नर नाल मुलाकात हो गए। IIT महकमा का मुलाजमा का बख बख मुतालबा पेश किया। गवर्नर मौसूफ ने सारा मुतालबा सुनिया तो वफद ने यकीन दवाए जो उनका सारा मुतालबा वजालो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार क्यों है जो दहशतगर्द तंजीम रमजिया फोन रबता यानी इंस्क्रिप्टिड मोबाइल तो वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए दहशतगर्दा की कश्मीर मदरअंदाजी तो सरगर्मियों वास्ते इस्तेमाल कर रही है। सरकारी नुमाइंदा रोहित कंसल ने दस्यो जो दहशतगर्दा की तरफ न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू खिता का भी कुछ हिस्सा में अपना दहशतगर्दा न दाखिल करा गए मुल्क मुखालफ सरगर्मियों ने दोबारा तूल देने की कोशिश की जा रही है और इस सारा काम काज वास्ते मोबाइल रबता इस्तेमाल किया जा रहा है। SOG ते पुलिस की एक टीम ने एक मशकूक हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट ने गिरफ्तार कर लियो है। जिला रामबन का बनिहाल इलाका का रहने वाला मोहम्मद रफी गनई ने उस वक्त गिरफ्तार कियो गयो जब वो जम्मू जान को मंसूबो बना रहे थे। उसने गिरफ्तार कर गए मशकूक मिलिटेंट ठिकाना पर ले जाया गया ताकि और गिरफ्तारी की जा सके। इस मामला पर मजीद तफसील याले अडीक है। सेहत ते कुंभा की फलाह बहबूद बारे मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है जे दफा 370 ते 35A की मनसूखी तलाक सलासा अयोध्या का राम मंदिर व अदालत उज़्मा को फैसलो ते शहरियत तरमीमी कानून को नफाज कौम का हक माए और इन मामलों पर हिस्बे इख्तलाफ आम लोगों ने गुमराह कर रही है। उन्होंने BJP हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में पार्टी रैली नाल खिताब के दौरान यह गल कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर में BJP चीफ के तौर रविंदर रैना को दोबारा इंतखाब कियो ते कियो जी ये सारा तारीखी फैसला मोदी सरकार का है और सियासी जमातों का कुछ फर्द अपनी सियासी रुकावटों की वजह से इन फैसलों के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा जी अगला 5 बरह में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में बेशुमार तरक्याती कामकाज शुरू कर रही है। 370 ते 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बड़ी तेजी नाल ठीक हो गए हैं ते मरकजी वजारत का वजीर जम्मू कश्मीर को दौरा लाग है। उनकी वजारत में जम्मू कश्मीर की तरक्की वास्ते शामिल कामकाज की लोगों ने जानकारी देगा। BJP का रियासती सदर रविंदर रैना ने दोबारा पार्टी सदर मुंतहिब होने पर शुक्रिया अदा करता में क्यों जो कांग्रेस का लीडर मुल्क ने तकसीम करना चाहें और मुसलमानों ने गुमराह कर रहे हैं। इससे पहला इंतहाबी इंचार्ज वरिंदरजीत सिंह ने रविंदर रैना ने मुतफिक राय नाल जम्मू कश्मीर BJP रियासती सदर मुंतहिब कियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार KK शर्मा ने मानसर सुरिंसर जिला ने बेहतरीन सियाहती मकाम इको टूरिज्म का तर्ज व तरक्की देने को ऐलान किया है। सलाहकार मौसूफ मानसर सुरिंसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफों किया जा रहा तरक्याती कामकाज को जायजो ले रहा था। इस मीटिंग में सेक्रेटरी टूरिज्म जुबैर अहमद डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू DPK शर्मा CEO सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी नगेंद्र सिंह जमवाल ते दिगर अल अफसरान मौजूद था। सलाहकार मौसूफ ने मुतलका अफसरों ने इलाका के अंदर किया जा रहा तरक्याती कामकाज में तेजी लियान की हिदायत दी ते क्यों जो माहौल का तहफ़ न सामने रख है इन तरक्याती कामकाज न सर अंजाम दितो जाए। सलाहकार मौसूफ ने इस इलाका में सैर व सियाहत की गर्ज नाल आर्या लोगों वास्ते बेहतरीन ढांचा तामीर करने की हिदायत दी ते इलाका के राबतों वास्ते अच्छा निज़ाम की अमलावरी की हिदायत जारी की। मरकजी तहकीकती एजेंसी यानी CBI ने पत्नी टाप मास्टर प्लान में की गई खलंदाजी वास्ते तहकीकत शुरू की है। दस्यो गयो है जे नाठ होटल ते रिहायशगा इस मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 3 CBI अफसरों की एक खसूसी टीम इस प्लान की खिलाफ वर्जी पर तहकीकत कर रही है। इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो शुमारो मुक्यो।